सेंट्रल न्यूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर रविवार को एग्रो कप क्रिकेट मैच खेला गया। मैच में पुरातन और वर्तमान छात्रों के बीच खेले गए मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में टॉस पुरातन छात्रों ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरातन छात्र की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए। जवाब में वर्तमान छात्र निर्धारित ओवरों में 109 रन ही बना सके। एग्रो कप के मुख्य अतिथि आशीष जायसवाल, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आरएस भट्ट और सुरेंद्र मोहर सिन्हा ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विद्यावती व कमेंट्री निखिल मिश्रा ने किया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल ने बताया कि नए और पुराने छात्रों के बीच प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने के अंतिम रविवार को एग्रो कप का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी पुराने और नए छात्र प्रतिभाग करते हैं, आपस से में मैच खेलते हैं और नई समिति का गठन किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सेंट्रल न्यूज डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल और पुरातन छात्र एवं पूर्व क्रिकेटर उद्योगपति के श्रीवास्तव ने कहा। शुभम सिंह, आकाश जायसवाल, नाइट टीम के जो मेंबर्स हैं उनको आवाज़। आज यहाँ पर डॉक्टर अजय राय सर, अजीत बैटमैन जिनको कि सिर्फ चिड़िया मैन ऑफ द मैच। देखो इधर देखो बेटा, प्रेजेंटी को लेते हुए आप सभी को ढेर सारी बधाई और जो हमारी प्रेजेंट स्टूडेंट टीम है उसको भी ढेर सारी बधाई। आप लोग आगे That is very very important for all of us. और यही वजह है कि जो सारे हम लोग सभी खींच के आते हैं और ये एक समागम होता है। आज वैसे विश्व हिंदू परिषद का समागम अयोध्या में हो रहा है, हम लोगों का यहाँ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच अंपायर और स्टाफ जितने भी यहाँ पर सबने पार्टिसिपेट किया है, चाहे जिस भी तरीके से, हम सबको अपनी तरफ से, अल्मरा एसोसिएशन की तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। एसोसिएशन सेंट्रल न्यूज कॉलेज के कैप्टन, कॉलेज प्रिंसिपल और क्योंकि आग्रह करती हूँ कि आप भी आए और दो शब्दों से हमें अभिचिंत करें। टीम के जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग भी जिस हर्ष के साथ, उत्साह के साथ मैच में पार्टिसिपेट किया, शायद उसी को देखते हुए इन लोग ने आप लोगों को विजयी घोषित किया। वैसे भी एक कहावत कही जाती है कि जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार स्वीकार कर ले उससे आप कभी नहीं जीत सकते हैं। तो मैं जितने प्रेजेंट बॉयज हैं उनको उत्साह दिलाना चाहता हूं, आपके जज्बे को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उनका सम्मान करता हूं कि आप लोगों ने अपने सीनियर्स को, एलुमनाई की टीम को विजयी घोषित करवाया, खुद विड्रॉ कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और बहुत कुछ संस्कार, पढ़ाई लिखाई, बड़ों का आशीर्वाद, इसी में सब कुछ समाहित है। मुझे बहुत अच्छा लगा और आई रियली अप्रिशिएट द जेस्चर, जिस सम्मान के साथ आप लोगों ने विड्रॉ किया, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने अपना सब महत्वपूर्ण देना चाहा, जितना वो कर सकते थे, चाहे वो अंपायर्स हों, स्कोरर हों, इवन कमेंटेटर वॉज एक्सीलेंट, कमेंटेटर भी बहुत एक्सीलेंट थे। और खासतौर से मैं धन्यवादित हूँ अपने मुख्य अतिथि का, जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और सभी से हम लोग के बीच में आ गए। और हमारे एलुमनाई के जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, अन्य जितने हमारे कॉलेज के सहयोगी हैं, जितने लोगों ने इसको मेंटेनेंस करते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
किशोर की रेगुलर फीस है, ये नहीं कि बस साल में एक बार आपने खेल लिया। स्पोर्ट्स से बहुत फायदा होता है, आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से फिट होते हैं। आप कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से आप कर तो जरूर रहे हो पर आप सोचते कुछ और हो। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट कम एक्सरसाइज होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इट शुड बी अ रेगुलर फीचर। ये नहीं कि साल में आपने खेल लिया बस छुट्टी हो गई, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ द स्टडीज। और मैं तो चाहूँगा कि आप हर हफ्ते कुछ मैचेस करें, इस तरह से करें और लोग इन्वॉल्व हों। थैंक यू वेरी मच। आज का आयोजन एग्रो कप क्रिकेट मैच का था, ये एल्यूमनाई एसोसिएशन की ओर से हर साल नवंबर के आखिरी रविवार के दिन मनाया जाता है और इसमें पास्ट और प्रेजेंट स्टूडेंट यानी एल्यूमनाई की टीम और प्रेजेंट स्टूडेंट जो इस वक्त पढ़ रहे हैं उनकी टीम, दोनों टीमों के मैच में एक मैत्री क्रिकेट मैच होता है। इस मैच का परिणाम कुछ भी हो लेकिन सबसे बड़े एक संदेश जो जाता है, पुराने एल्यूमनाई जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एक तरह से रीयूनियन होता है, वो प्रेजेंट स्टूडेंट के साथ खेल करके उनके साथ सहभागिता करके अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। काफ़ी टीचर्स भी जो यहाँ के एसोसिएट मेंबर होते हैं एल्यूमनाई एसोसिएशन के, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा दिन एल्यूमनाई एसोसिएशन के लिए डेडिकेटेड होता है और आज शाम को एल्यूमनाई एसोसिएशन की एनुअल मीट होती है जिसमें नए कार्यकारिणी का गठन होता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है और इसके साथ ही साथ सबका कल्चरल प्रोग्राम जो जिस भी विधा में निपुण है, जो हमारे एल्यूमनाई कोई भी आइटम अपना पेश करते हैं, वो लगभग ये प्रोग्राम शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक चलता है। उसके बाद सभी एल्यूमनाई लोग यहाँ से विदा लेते हैं और अगले इस कमिटमेंट के साथ कि अगली एनुअल मीट में फिर सबसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद। ये हर वर्ष की बात है, आज फिर से आयोजन किया गया जिसमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स और पास्ट स्टूडेंट्स दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है पास्ट स्टूडेंट्स के लिए जो आज यहाँ से कोई 50 साल पहले 40 साल पहले हम लोगों ने कॉलेज छोड़ा था, जिस दिन भी यहाँ पर पहुँचते हैं उस दिन हम लोग अपने आप को भी उतना ही यंग और एनर्जेटिक समझने लगते हैं और शायद ये ऊर्जा जो यहाँ से लेके जाते हैं हम लोग वो पूरे वर्ष हमारे काम आता है और इसको इस चीज़ को देखते रहते हैं कि इंतज़ार करते रहते हैं कि फिर से ये खेलने का मौका मिलेगा और जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो हम लोगों के कॉलेज का कल्चर या जो कुछ भी हम लोगों ने अपने समय में देखा है उसको इनके साथ शेयर करते हैं और एक मौका मिलता है इनको भी हम लोगों के साथ एक जो स्टूडेंट का जो पास्ट स्टूडेंट हो या प्रेजेंट स्टूडेंट उसमें जो भाईचारा है जो बॉन्डिंग वो देखने को मिलती है और यही है कि और इसमें सारे लोगों ने खूब अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, हम कॉलेज के मैनेजमेंट सेंट एंड्रयूज कॉलेज का मैनेजमेंट उसके प्रिंसिपल साहब सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हर वर्ष इसको पूरी स्फूर्ति से पूरी इंटरेस्ट के साथ इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबडी।